सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दे दी जमानत। केजरीवाल को ईडी केस में मिली जमानत, लेकिन क्या जेल से बाहर आ पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट बोला सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सवाल का जवाब कि क्या केजरीवाल आज जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से ज्यादा से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम यह मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। वहीं दोस्तों केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई है। केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है, उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। भ्रष्टाचार के केस में वे न्यायिक हिरासत में, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। यानी कि दोस्तों ईडी से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन दूसरा मामला सीबीआई का है, इस वजह से सीबीआई के मामले में वे जेल में है, तो उनका बाहर आना फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। वैसे दोस्तों केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले के आते ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उम्मीद है जल्द ही केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से यह साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ भाजपा की साजिश है। हर अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की साजिश को उजागर किया है। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी की दलीलें कानून के हिसाब से ठीक नहीं थी। ईडी की दलीलें असंवेदनशीलता को दर्शाती है, मुझे अपमानित और परेशान करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। वहीं दोस्तों इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट और जिला कोर्ट्स के 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंचूड़ को एक पत्र लिखकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत रोके जाने पर चिंता जाहिर की थी। वकीलों ने अपने पत्र में इसे अनोखी परंपरा बताया था। उन्होंने कहा कि ऐसा वाकया भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के कारण जेल में बंद है या फिर अपने खुद के कृत्यों के कारण जेल में बंद है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की इंपॉर्टेंट और काम की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।